फिर शुरू करते, लाइट साउंड कैमरा एक्शन। चलो जी, तो भाई आज हमारे साथ कावेरी अग्रवाल हैं, जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम जो है दिए हैं, और कावेरी के 316 आउट ऑफ 400 मार्क्स जो है आए हैं, 316 नंबर, मतलब वाव। मतलब कावेरी, आपने जब रिजल्ट देखा होगा उस समय जब 316 नंबर फ्लैश हुए, तो आपका क्या एक्सप्रेशंस क्या थे उस समय? बहुत खुश थी तो इतने नंबर एक्सपेक्टेड थे पहले से? सर। इतने तो नहीं थे, थोड़े से कम थे, क्योंकि मैथ्स का मेरा लाइक एवरेज गया था, इतना अच्छा नहीं गया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा, क्योंकि एक्चुअली नेगेटिव भी होती है उसमें मैथ्स में, तो मुझे ठीक उसका है। थोड़ा, तो पर देख के मैं बहुत खुश थी। अच्छा, मतलब मैथ्स में आपको डर था, और पर मैथ्स में मैं जो नंबर देख रहा हूँ आपके, बुरा होने के बाद भी 77 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में जो है, तब भी जो है आगे विद नेगेटिव मार्क के। अच्छा, क्योंकि 10 मार्क्स का छूट भी गया था मेरा, तो इसकी वजह से और भी डर था। मतलब आपने मैथ्स का जो है आपने 90 का ही अटेम्प्ट करा है, और 90 में आपके 77 मार्क्स जो है आए हैं, और ओवरऑल जो है 316 आप जो है आपने स्कोर जो है आपने कर लिया है, तो ये तो बहुत बढ़िया। और घर वाले भी बहुत खुश होंगे इस रिजल्ट को देखकर, मतलब। बहुत खुश थे सभी। तो सीए फाउंडेशन की जर्नी आपकी कैसी रही? मतलब सीए फाउंडेशन आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसा आपका अनुभव रहा? सर आसान तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि लगती है मेहनत, तो ये तो है नहीं कि हो जाएगा बस थोड़ा सा भी पढ़ो। तो ठीक मतलब है, मेरे एक्सट्रीम भी नहीं लगा और ना ही बहुत इजी लगा, मतलब मेरे को सही लगा मीडियम, क्योंकि ठीक है। सिलेबस ज्यादा था। लाइक सीपीटी में कहते हैं ना कि मतलब सीपीटी का इतना मेरे को अपने कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लगता था, क्योंकि हमारे में जो ये इकोनॉमिक्स जो थी उसमें भी पहले BCK, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आगे वो कंपनीज के बारे में करना ठीक और है, अकाउंट्स वॉल्यूम, तो सिलेबस अच्छा खासा था ही। हाँ, मतलब सिलेबस अच्छा था पर इतना भी नहीं था, मतलब। हाँ कि ये भी नहीं कि मतलब बिल्कुल कर ही नहीं सकते, फेल ही हो जाओगे, उतना भी नहीं। ठीक है, मतलब सिलेबस एक एवरेज सिलेबस, ऑब्वियस जब सीए है तो सीए के हिसाब से सिलेबस एक एवरेज है ना, तो बहुत कम है कि बिना पढ़े हो जाओगे, और इतना वास्ट भी नहीं है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। यस। ठीक है, तो कावेरी फिर इतनी इस सिलेबस को पढ़ने के लिए फिर आप डेली कितने घंटे आपने मेहनत करी होगी? मतलब 12 घंटे, 15 घंटे डेली पढ़ते होगे, 8 घंटे, हाँ 7 to 8 सेवन टू मैक्स। एट हाँ 7 to 8, कभी कभी 10 भी हो जाते थे, जिस दिन जैसे टाइम अगर और कहीं वेस्ट, कहीं चली गई तो 10 भी हो जाते थे। अच्छा, मतलब डेली 10 आवर्स आपने पढ़ा, वो हमारी क्लासेस इंक्लूड करके था या क्लासेस के एड ऑन था? इंक्लूड करके अच्छा, तो मतलब ये है कि 4 आवर्स की क्लासेस तो हमारी हुई, 4 to 5 आवर्स आपने ये पढ़ा, और उसके बाद आप जो कह रहे हैं मतलब 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते थे, कभी कभार 6 घंटे भी हो गया। हाँ थोड़ा सा और भी कभी कभी हो जाता था, 8 भी हो जाते थे कभी कभार। तो अच्छा, तो कभी कभी आपने 12 घंटे ही पढ़ा था, तो मतलब अगर ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो मतलब आप मतलब थोड़ा सा बताएं तो कब, मतलब आपने पूरी 6 महीने की जर्नी में 12 12 घंटे कब पढ़ा, 8 8 घंटे कब पढ़ा, और 6 6 घंटे कब पढ़ा, मतलब ज्यादा मतलब ऑन एन एवरेज कितना पढ़ा? इनिशियली तो कम ही थे, ऑब्वियसली 6 to 7 ही थे, ठीक उसके है, बाद 10, उसके बाद 10 आवर्स, और उसके बाद मॉक वेयर के साथ रिवीजन को मिलाकर आई थिंक 11 तक तो शायद हो गए थे। अच्छा, तो मैक्सिमम 11 आवर्स तक आप पढ़े हैं, मतलब लास्ट तक अगर स्टार्टिंग में आपने भी 4 घंटे क्लासेस थी तो 2 3 घंटे पढ़ा, फिर जैसे सिलेबस बढ़ना शुरू हुआ तो 4 घंटे क्लासेस हुई और आपने 4 घंटे और पढ़ना शुरू किया, और लास्ट तक आते आते भी जब क्लासेस खत्म भी हो गई, उस समय जो मॉक टेस्ट हमारे हुए और लास्ट के जो 15 दिन थे 20 दिन थे, तब आपने अपनी पूरी जोश के साथ जो है तब 10 10 घंटे 11 11 घंटे जो है आपने पढ़ा है। Yes, ठीक है, हाँ, तो लास्ट में मेरा भी होता है वो, मतलब एक मैराथन की तरह होता है, तो स्टार्टिंग हमने धीरे धीरे भागना जो है शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्पेस हमारी बढ़नी शुरू, और लास्ट का जो राउंड था भी लास्ट में आपने 10 10 घंटे पढ़ा, और डेफिनेटली तभी आपके 316 मार्क्स आपने जो है अचीव जो है आपने जो है करे थे। ठीक है, अच्छा, बच्चे और पूछना चाहते हैं, अच्छा और कोई स्ट्रैटेजी आपने अलग से बनाई हो? स्ट्रैटेजी तो कोई नहीं थी, बस नोट्स जो देते थे आप सब वही रिवाइज करती थी, ऐसा कोई अलग तो नहीं थी स्ट्रैटेजी। अच्छा, मतलब जो हम पढ़ा रहे थे आपने आज डेट, बस वही आपने जो है पढ़ाई करी, अलग से कोई स्ट्रैटेजी, जो मतलब मैं लेक्चर्स में जो स्ट्रैटेजी देता था तो मैथ्स में कोई सेम स्ट्रैटेजी, जैसे जैसे पढ़ना है सारे सब्जेक्ट में सेम चलता था? तो वही क्लास में जो आप क्लास में करवाते थे कि इतना टाइम दे रहा हो उतने में सॉल्व करो, तो उतने में मैं कोशिश करती थी कि सब में हो ही जाए, मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व हो जाए।
अच्छा ठीक है, तो जो क्लास में जो टाइम होता था, अभी मैं आपको 10 सवाल दिए तो 10 मिनट में करनी है, तो 10 मिनट में आप उसको जो है कर पाते थे। ठीक है, तो उससे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से जो है आपका होता जो है रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और बच्चे पूछना चाहते हैं, आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, उससे पहले हमेशा ऑफलाइन होती थी, तो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? तो उसमें तो मजा आता था क्योंकि बीच में फन भी हो जाता था और पढ़ते भी थे, तो मुझे मतलब सीए फाउंडेशन कितनी बोरिंग, मतलब मजा ही आता था ऑनलाइन क्लासेस में भी। अच्छा, नहीं तो आपने मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी रिकॉर्डेड आपने ली होंगी, तो मतलब रिकॉर्डेड में भी उतना मजा आपको आया था? सर बिल्कुल पूरा आता था। अच्छा, मतलब रिकॉर्डेड में भी उतना ही फन, उतना ही मजा आपका जो है आपका, तो कभी ऐसा मन नहीं होता था कि ऑफलाइन क्लासेस हो? होता तो थोड़ा था जैसे बीच में जो परफॉर्मेंस वगैरह भी होती थी उनको देखकर अच्छा हाँ, तब जाके मन होता होगा भी ऑफलाइन भी हो जाए, पर अगर आपसे पूछे तो ऑनलाइन बेटर, या मतलब अगर मान लीजिए क्लासेस की बात करें, तो बच्चे को मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए ऑफलाइन लेनी चाहिए, मतलब किसमें क्या बेनिफिट है? कि बच्चों के माइंड में हमेशा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर होती है, आपने ऑनलाइन ली थी, तो अगर आपसे पूछे तो ऑनलाइन बेटर क्लासेस होती है ऑफलाइन क्लासेस, मतलब आपका क्या टेक है? सर मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन है क्योंकि टाइम काफी बच जाता है, मतलब आने जाने का मेरे को तो काफी, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 आवर भी अगर कह लो तो वो भी बच रहा है, तो आई थिंक इट्स वेल एंड गुड। है ना, यही शायद मेरा ही मानना था कि बच्चों का ना अभी भी एक आदत होती है, नहीं सर ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ बेटा टाइम इज मनी, क्लासेस आप ऑनलाइन लें, और ऑनलाइन में भी मैं शायद कहता हूँ हमेशा रिकॉर्डेड मोड जो है आप करें, क्योंकि एक आपका टाइम बहुत बचता है, ट्रैवलिंग टाइम बचता है, और ट्रैवलिंग के साथ आपको थकान भी होती है, वो सारा टाइम आपको यहाँ वेस्ट जो है वो शायद नहीं करना चाहिए, तो मेरा तो मानना वही है कि ऑनलाइन में भी रिकॉर्डेड मोड जो है ना वो शायद होना चाहिए, और आपने वही कहा रिकॉर्डेड में भी उतना ही फन, उतनी ही मस्ती जो है आपने जो है करी है, तो वो सारी चीजें हैं, और उसमें वही, और शायद एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि आपको कब पढ़ना है, कैसे बिल्कुल पढ़ना है, वो सारा आप साथ साथ मैनेज जो है करते थे। तो कावेरी, फिर आप सारी क्लासेस एक साथ लेते थे या उसको टुकड़ों में बांटते थे, मतलब क्लासेस कैसे स्केड्यूल करते थे? मतलब एक तो पूरी लेती थी और जिस हिसाब से बीच में ब्रेक होता था उस हिसाब से लेती थी, और कभी कभार मतलब ऐसे एक ही लेती थी एक दिन में, और बाद में जैसे मैं दो लेने लग रही थी जब थोड़ा सा वो हो गया था ना कि दिसंबर में होने एग्जाम्स, ठीक है ठीक है। पर डे 2 क्लासेस लेने लग गई थी। अच्छा, पर डे 2 क्लासेस आपने ली, और उसमें मतलब जो 4 4 आवर्स की क्लास, मतलब पर डे लास्ट में आप 8 आवर्स पर जो है शायद आप आ गए थे, तो 8 आवर्स आप नॉन स्टॉप पढ़े, या मतलब मेरा तो मानना है शायद 2 2 आवर्स किया होगा, फिर ब्रेक लिया होगा, कैसे आपने क्लासेस मैनेज करी? मैं ब्रेक 1 आवर का मतलब लेती थी बीच में अच्छा रिफ्रेशिंग के लिए, मतलब ठीक है, तो मतलब आपने चार, मतलब आपने 2 2 आवर्स की आपने 4 बार क्लास ली, पहले 2 घंटे पढ़ा, फिर आपने ब्रेक लिया अपने कंफर्टेबली, फिर आपने 2 घंटे क्लास ली, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे क्लास ली, फिर आपने ब्रेक जो है लिया, और ये शायद मेरा ही मानना होता है, कई बच्चे होते हैं कि वो सुबह बैठ जाते हैं और कहते हैं हम क्लासेस पहले सारी खत्म करें, तो मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ ये बेटा मत करना, आप एक क्लास लें 2 घंटे की, उसको अच्छे से समझें, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर अपना ब्रेक लें, फिर मेरा मानना है 1 1.5 घंटे का ब्रेक लें, फिर 2 घंटे की क्लास लो, फिर अपना ब्रेक लो, उसको पढ़ो, उसका होमवर्क करो, फिर 2 घंटे क्लास लो, फिर 2 घंटे क्लास, पर इतनी तो शायद लास्ट में आइडली तो शायद 2 या 3 क्लासेस अगर आप लेते हैं 4 से 6 घंटे, वो शायद मोर देन सफिशियंट जो है वो शायद रहता है। ठीक है, अच्छा, और कावेरी, अच्छा आपने हमारे टेस्ट दिए होंगे टेस्ट ऐप पर, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो अच्छा था, नहीं था, वो टेस्ट का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे वो टेस्ट, क्योंकि एक तो मेरा जैसे टाइम लिमिट बहुत थी उसमें कि इसी पर्टिकुलर टाइम में वो कंप्लीट करना ही करना है टेस्ट, ये भी नहीं हो सकता था कि मतलब एक पैसिव अप्रोच भी नहीं रहती थी कि कभी भी कर लेंगे, पीडीएफ बनाना है कभी भी दे देंगे, उसी टाइम पर सबमिट करना ही होता था वरना मिस हो जाता पेपर। तो वो एक तो मुझे बहुत तरीका अच्छा लगा, स्टार्टिंग से मैथ्स का जल्दी होने लग गया था पेपर उसकी वजह से ही, और काफी सारे टेस्ट थे बाद में भी, मॉक पेपर्स थे और इवेल्युएशन टेस्ट थे, तो बहुत हेल्पफुल थे वो टेस्ट टेस्ट ऐप पर। ठीक है हाँ, जो शायद मेरे को भी जो बच्चे कहते हैं सर वो टेस्ट ऐप में जो टाइमर जो होता है ना वो शायद बहुत अच्छा जो है रहता है, उसे टाइम स्पीड हमारी जो है बन जाती है, कि जैसे ही आपने टेस्ट ऐप में टेस्ट क्लिक करा तो एकदम टाइमर शुरू होता है, उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत अच्छी जो है वो हो जाती है, कि आपको पहले से पता है ये मेरे को पेपर 1 घंटे में कंप्लीट करना है, ये पेपर मेरे को 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो सिलेबस के हिसाब से टाइमर जो है वो सारा सेट रहा, और वही शेयर करता है ना, इससे जो है ना जो हमेशा रहता है कि आपको पहले से टाइमर सेट था, आपको पहले से आपकी स्पीड फास्ट हो गई, तो आपने जो लास्ट में जो पेपर दिया तो आपको लगा बिल्कुल सेम पेपर जो है आपका बनकर जो है आया, और वही शायद ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे सब्जेक्टिव हो सारे टाइमर के साथ आपके जो है रहे, और ऑब्जेक्टिव तो हाथों आप शायद आपका रिजल्ट, वो एग्जाम फील भी आती है कि अभी दे रहे हैं एग्जाम, ऐसे फील भी आते हैं टाइमर होता है तो ऑन।
हाँ वो टाइमर के साथ पूरा फील जो है एकदम से आता था कि पूरे 3 घंटे का पेपर है तो पूरा फील आ रहा है, साथ में टाइमर जो है चल रहा है, आप सारे पेपर जो है आप सारे दे रहे हैं। और बेस्ट पार्ट शायद वो भी होगा कि जैसे आपने मैथ्स का ऑब्जेक्टिव पेपर दिया तो सबमिट करते ही पूरा रिजल्ट भी आ गया, आपको सजेस्टेड आंसर्स भी पता चल गए, आपको अपनी कमियां भी पता चल गई और आपको सारा इवेल्युएशन जो है बहुत अच्छे से जो है आपको मिला। आपने जो सब्जेक्टिव पेपर दिए अकाउंट्स के, लॉ के, इंग्लिश के, उसकी चेकिंग आपको कैसे लगी? मतलब आपने सब्जेक्टिव पेपर दिए थे, हमारी जो पूरी सीए टीम ने जो पेपर चेक करके दिया तो ऐप पर जब आता था वो टिक क्रॉस करके कमेंट सारे आते थे, तो क्या वो भी हेल्पफुल रहा या नहीं रहा? सर वो बहुत हेल्पफुल था क्योंकि हर एक में मतलब वो सर्कल भी लगाते थे, कुछ भी इंग्लिश में अगर हो गया कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड गलत है या अकाउंट्स में मतलब लिख देते थे प्रेजेंटेशन के लिए भी कि ये चीज नहीं लिखी आपने, तो बहुत हेल्पफुल भी था वो कि क्या एक्चुअली मतलब माइन्यूट से माइन्यूट मिस्टेक भी क्या है। हाँ क्योंकि हमारी कोशिश वही थी कि आपकी जो तो पेपर चेकिंग आए हो आपको पता होगा चार्ट अकाउंटेंट की ही टीम है तो सारे चार्ट अकाउंटेंट ही उसी पैटर्न पर जो है वो पेपर लेते हैं, जैसे आईसीए की पेपर चेकिंग होती है तो उसी पैटर्न पर आपको पेपर दिया तो उसी पैटर्न के हिसाब से आप यूज्ड हो गए थे भी पेपर की चेकिंग इस तरीके से होती है। धीरे धीरे आपने अपना सारा इम्प्रूव जो है आपने अपना अच्छे से जो है किया था। ठीक यस है, सर। अच्छा कावेरी, इन चारों सब्जेक्ट में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मैथ्स ही है फेवरेट तो सर अच्छा मैथ्स फेवरेट था, तो मैथ्स आपको पढ़ाया हुआ सारा पसंद आया मेरा। बहुत। अच्छा तो मेरा जो मैथ्स का जो मटेरियल था क्या वो सफिशियंट था? इसके अलावा आपने और कोई मटेरियल आपने यूज करा था या मेरा मटेरियल मोर देन सफिशियंट है? सर नहीं मैंने उसके अलावा कोई बुक एज सच रेफर नहीं की थी, मतलब आपकी बुक ही की थी रेफर। अच्छा तो मेरी बुक से मतलब बिल्कुल कंफर्टेबली जो है रहे। अच्छा और बाकी सारा मटेरियल भी सारे सब्जेक्ट का सफिशियंट था? हमारे टेस्ट आपने जितने टेस्ट हमने आपके लिए प्री मॉक टेस्ट, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट और बिगनर स्टेप और आपके जितने राउंड हमारे टेस्ट हो रहे थे सारे टेस्ट मोर देन सफिशियंट थे, मतलब उससे आपको सारा कॉन्फिडेंस भी आ मतलब गया था? डिफिकल्टी भी जो प्री आगे जो मॉक थे उसमें डिफिकल्टी लेवल भी काफी अच्छा खासा था, तो मतलब काफी हेल्प हो जाती थी लेवल देखने के लिए पेपर का। अच्छा ठीक है, तो मतलब लेवल जो था हमने कोशिश वही करी थी कि हम आपको आईसीए का ही लेवल जो है दें जिससे आपका माइंड सेट हो जाए इस लेवल का पेपर जो है आपका जो है आता है, तो वो सारा जो है चलो मेरे को बहुत अच्छा रहा। अच्छा फिर अब ये बताएं क्योंकि आप सीए कर रहे हैं तो है ना माइंड में बड़ा एक मार्केट में ऐसी बड़ी अफवाह होती है कि सीए वाला बच्चा तो है ना किताबी कीड़ा होता है, वो फेसबुक इंस्टा सोशल मीडिया सब उसको त्यागना पड़ता है, घर से बाहर नहीं निकलना होता, कोई हॉबी परस्यू नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं बस पढ़ाई 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 जो है करनी होती है, तो क्या कावेरी ने सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ पढ़ती रही थी या कावेरी ने अपने 6 महीने जिंदगी भी जी थी? नहीं मैंने मतलब जी थी ऐसे सुने कि पूरे दिन बैठती थी, मतलब टीवी ऐसे मुझे बहुत पसंद है, चाइनीज ड्रामा में देखती थी, मुझे वो भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो वही बस एज सच यही करती थी, और बाकी सोशल मीडिया में थी वो भी नहीं एक्टिव पहले से ही, मतलब मेरी इंस्टा भी नहीं है और फेसबुक भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कोई हॉबीज भी आप परस्यू करते हैं, कोई म्यूजिक डांस इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ आप तो, या? डांस कभी कभार कर लेती थी, बाकी कैलीग्राफी भी पसंद है मेरे को, तो वो भी बीच बीच में अच्छा बहुत वो भी हो जाती थी। अच्छा तो आपने सीए के साथ साथ सारे काम भी आपने अपने कंटिन्यू जो है करे हैं? हाँ क्योंकि मेरा मानना है शायद जब हम कैलीग्राफी करते हैं तो है ना बड़ा सूदिंग सा जो है शायद फील होता होगा कि वो सारी थकान मिट गई आपने कैलीग्राफी, अगर एक पेज भी आपने कुछ करा है तो सारी थकान जो है वो शायद मिट जाती होगी। तो मैं तो हमेशा मेरा होता है कि भाई सीए के साथ पढ़ाई के साथ साथ जो है ना कुछ आपको हॉबीज जो है ना वो शायद परस्यू जो है वो करते रहनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और चलो एक आखिरी सवाल शायद मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अब लास्ट में मतलब अगर बात करें तो जो बच्चे इस समय इतने डरे हुए हैं कि भाई सीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सीए आसान है कि मुश्किल है, तो शॉर्ट में अगर आप एक अपना सक्सेस मंत्रा उनको देना चाहें कि जो बच्चा सीए फाउंडेशन में आए तो उसको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या उसको क्या माइंड में रखना चाहिए कि भाई उसको अच्छा मटेरियल कौन सा पढ़ना चाहिए, कि हमारा मटेरियल सफिशियंट है या कहीं और भी जाना चाहिए टेस्ट आर, और क्या उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि उसका फर्स्ट शॉट में 300 क्रॉस हो जाए? तो जहां बच्चे फेल हो रहे हैं मैं अगर 300 क्रॉस करने के लिए उसको ऐसा क्या करना चाहिए तो कुछ शब्दों में हम जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट में उनके कॉन्सेप्ट्स की काफी अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मतलब वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आगे भी, अगर आप क्वेश्चंस भी कम करते हो, कॉन्सेप्ट सॉलिड है अगर आपकी क्लैरिटी, तो बहुत हेल्पफुल होता है वो चीज बार बार। फिर आप अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया तो फिर आप बाद में उसको नहीं भी रिवाइज करोगे तो वो रहेगा ही दिमाग में, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रोज पढ़ो, ये भी नहीं कि एक दिन मतलब प्रोकेस्टिनेट कर दिया कि अगले दिन कर लेंगे या उससे अगले दिन कर लेंगे, रोज पढ़ना चाहिए। और यही है कि मैथ्स जैसे तो सॉल्विंग रोज करो, 5 या 7 या 8 9 क्वेश्चंस रोज करो ताकि और ग्रिप बनती है उससे।
ठीक है, मतलब कुल मिला के जो आपने कहा भी, एक तो वही बात है कि डेली हमें जो पढ़ना है जो बार बार होता है, बट सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना बहुत जरूरी है। अगर डेली नहीं पढ़ेंगे ना, अगर आपने कल पर अगर छोड़ दिया तो सारी गड़बड़ जो है हो जाएगी। भी हमें जितना सिलेबस कराया उसको डेली जो है पढ़ना भी है, और डेली अगर बात करें तो उसकी प्रैक्टिस भी अपने को डेली जो है ना सारे सब्जेक्ट, आपने कहा मैथ्स के 5-5 क्वेश्चन को डेली जो है, जैसे मैंने शायद लेक्चर्स में कहा था, मतलब उस तरीके से जो मैं आपको होमवर्क दे रहा था भी आज इन इन चैप्टर्स के 5-5 सवाल जो है करने हैं, तो उसके हिसाब से आपको सारा जो है करते जाना है। अगर वो करते रहेंगे तो आपका अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपने कुछ और मटेरियल रेफर किया, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी जैसे आपने कहा वो कैसे क्लियर हुई आपकी? सो वो तो वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती थी जो लेक्चर्स होते थे। बुक तो मैंने ऐसा सच नहीं भरी कोई, लेक्चर्स में काफी हो जाती थी, मतलब पूरी क्लैरिटी स्टार्टिंग से ही पढ़ाते थे सब, तो अच्छे से क्लियर ही हो जाता था उसमें। अच्छा ठीक है, मतलब हमारे लेक्चर्स में आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी अच्छे से मिल गई, तो आपको और कोई टॉपिक अलग से देखने की जरूरत जो है नहीं पड़ी। मतलब ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं कि आपको, मतलब मैंने पढ़ाया और आपने फिर यूट्यूब पे कुछ चेक करा हो, या सारे लेक्चर्स मोर देन सफिशियंट थे? कोर्स नहीं, मैंने अलग से कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, तो वो सारी कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो शायद क्लासेस में ही जो है आपको मिल गई थी। चलो ठीक है जी कावेरी, आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा, और कुल मिला के जो शॉर्ट में मेरे को समझ आया, बस वही शायद कह रहे हैं कि भाई देखो सिलेबस है, जो आपकी बात समझे भी सिलेबस है, इतना कम भी नहीं है कि आप हंसी खेलते हुए निकाल लेंगे, इतना ज्यादा भी नहीं है कि भी आप कर नहीं पाएंगे। तो भी सिलेबस, अब ऑब्वियसली सीए है तो सीए के हिसाब से सिलेबस होगा, पर इसको अगर क्रैक करना है तो जो कावेरी ने कहा इनिशियली भी 4 से 5 घंटे क्लासेस आपको लेनी है इनिशियल, शायद कुछ टाइम तक कावेरी ने 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा, मतलब 6 घंटे की क्लासेस आपने ली। जैसे सिलेबस बढ़ता गया तो कावेरी ने अपना भी टाइम जो है बढ़ाया, 6 की जगह भी 7 घंटे क्लासेस करी, धीरे धीरे 8 घंटे क्लासेस जो है करी है। तो जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, और जो कावेरी ने बताया कि एग्जाम से 15 दिन या 20 दिन पहले, फिर कावेरी ने जब सेल्फ स्टडी थी और हमारे जब राउंड 1 एग्जाम थे, राउंड 2 एग्जाम जब हमारे हुए, उस समय कावेरी ने 11-11 घंटे भी पढ़ाई जो है करी है। नहीं कावेरी यही शर आपने जो है, तो 11-11 घंटे तो लास्ट तक, पर ये नहीं था कि स्टार्टिंग से 11 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे करते 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 और लास्ट में भी 11 घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे तो 316 नंबर आप बहुत इजिली जो है अचीव जो है कर लेंगे। और वही शायद कावेरी की बात थी भी, इजी है पर वो ध्यान रखना है हमें केयरलेस जो है वो शायद नहीं होना, बट डेडिकेटेड जो है हमें रहना है, और आज का सिलेबस हमें आज ही जो है हमें कंप्लीट जो है करना है। यस सर, चलो ठीक है कावेरी, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक से और आपका जो एक्सपीरियंस था। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को ये फीडबैक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, और बच्चे अब डेडिकेटेड जो है होंगे, और इसी डेडिकेशन के साथ जो है वो आगे अपनी सीखी जर्नी जो है कंटिन्यू जो है करेंगे। ठीक है चलो, ओके कावेरी, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। बाय।